अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो स्पॉन्सर बाय फेक कॉल ऐप। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इस ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। इस ऐप की खासियत यह है कि आप इसमें अपनी कॉलर आईडी चेंज करके किसी को भी कॉल कर सकते हैं, यानी आप अपने नंबर को चेंज करके जो आप नंबर डालोगे उस पर वो नंबर शो होगा, उसको आपका नंबर शो नहीं होगा। आप कोई सा भी नंबर डाल सकते हो, फिर आप जिसको कॉल करोगे तो वही नंबर शो होगा उसको, और आप किसी को भी कॉल कर सकते। चलिए आप करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो अपना प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर ओपन कर लें, उस पर फेक कॉल सर्च करें, फिर फेक कॉल पर इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लें। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस शो होगा। इंटरफेस शो होने के बाद इस पर आप जो है सबसे पहले तो अपनी कॉलर आईडी जो आप डालना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 8888888 डाल दिया है। फिर उसके बाद आप जिसको कॉल करना चाहते हैं उसका नंबर डालें, और बस यहाँ पर जो कॉल का ऑप्शन दिख रहा है ग्रीन कलर का, उस पर आप क्लिक कर लें। फिर आपको कॉल शो होगी, जैसे मेरे पास ये कॉल शो हो रही है। तो इस ऐप को आप एक बार अपने फ़ोन में ज़रूर डाउनलोड करिए, ऐप आपको बहुत पसंद आएगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन डाल रखी था, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। मुहर्रम के महीने में आपने लाजमी रोज़ा रखना है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अनहु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े मुहर्रम के हैं, खासूसन आशूरा का रोज़ा यानी मुहर्रम की 10वीं तारीख का रोज़ा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस रोज़े के बारे में पूछा गया तो आपने कहा, ये रोज़ा गुजरे हुए एक साल के गुनाहों का कुफ्फारा बन जाता है, यानी पिछले मुहर्रम से लेकर अब तक के जितने भी गुनाह होंगे इंशाल्लाह इस अमल से माफ हो जाएंगे। सगीरा गुनाहों की तरफ इशारा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया, यकीनन आशूरा अल्लाह के खास दिनों में से एक दिन है, तो जो चाहे इस दिन रोज़ा रखे, जो चाहे छोड़ दे, यानी नफली रोज़ा होगा, फ़र्ज नहीं है। इब्ने अब्बास से रिवायत है, वो कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने नहीं देखा कि आपने आशूरा के दिन और रमज़ान के महीने के अलावा किसी दिन को अफजल समझकर आपने उस दिन का रोज़ा रखा हो। तो अब आपको ये बात समझ आ गई कि मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को रोज़ा ज़रूर रखना है। और उसके साथ एक छोटा सा अमल है, सबसे पहले तो आप ये नियत करें कि मुझसे रोज़मर्रा की रूटीन में जो गुनाह होते हैं वो गुनाह मैं नहीं करूँगा। गुनाहों को बिल्कुल आप छोड़ दें और ये एक वजीफ़ा करें, अफ्तारी से पहले सिर्फ 2 मर्तबा सूरह तौबा पढ़ें और सूरह तौबा के शुरू और आखिर में एक एक मर्तबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। पहले दिन भी सूरह तौबा आप 2 मर्तबा पढ़ लें और दूसरे दिन भी सूरह तौबा अफ्तारी से पहले 2 मर्तबा पढ़ लें, और साथ ये अहद कर लें कि या अल्लाह मुझसे जो भी गुनाह हुए मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा गुनाह नहीं करूँगा। तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपके रिस्क में, आपके माल में बहुत ज़्यादा इजाफा अता फरमाएगा। इतना इजाफा अता फरमाएगा कि आपकी 10 नस्लें भी बैठकर खाएंगी। ये अल्लाह का वादा है कि अल्लाह पाक उसके लिए रिस्क आसान कर देते हैं अगर वो गुनाहों को छोड़ दे। अल्लाह पाक मेरे और आप सबके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारे लिए रिस्क आसान अता फरमाए, आमीन। और आखिर में मैं आपसे फिर से ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बार फेक कॉल ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, ये ऐप आपको पसंद आएगा।